ये क्वेश्चन बहुत ही क्लास 12 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। इस बार लॉन्ग प्रश्न में पक्का आएगा, ठीक है। इसलिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, समझिए, क्योंकि आपको आने वाले एग्जाम में, यानी इस बार जो आपको एग्ज़ाम होने वाला है, इस एग्ज़ाम में ये प्रश्न आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ध्यान से इसको बनाइएगा, और ये आएगा तो लॉन्ग में आएगा, ठीक है। तो कैसे बनाइएगा भाई, ये प्रश्न है कि लॉग एक्स के पावर एक्स प्लस एक्स के पावर लॉग एक्स, यानी फंक्शन के पावर फंक्शन है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको वाई मान लेंगे, ठीक है। लिखेंगे, माना वाई बराबर लॉग एक्स के पावर एक्स प्लस एक्स के पावर लॉग एक्स। हमने इसको वाई मान लिया, लॉग एक्स के पावर एक्स प्लस एक्स के पावर लॉग एक्स, ठीक है। अब यहाँ से देखो, वाई बराबर इसको हम मान लेते हैं यू, और इसको मान लेते हैं वी, ठीक है। अब इसको एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ये हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। इसको मान लो समीकरण एक। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक बार u का ये मान रखेंगे और इसका डी यू बाई डी एक्स का मान निकालेंगे, एक बार v का मान रखेंगे और डी वी बाई डी एक्स का मान निकालेंगे, और लास्ट में समीकरण फर्स्ट में रख देंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, समझ गए। तो चलिए सबसे पहले हम u जो है ना उसको रखते हैं। u बराबर क्या है, log x के पावर लॉग एक्स के पावर एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, फलन के पावर फलन है, फंक्शन के पावर फंक्शन, तो क्या करते हैं लॉग लेते हैं। लिखेंगे, दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग यू, और जब लॉग लेते हैं तो पावर को पहले लिखा जाता है और उसके बाद लॉग लॉग एक्स हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से अब इसको हम एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो इसको अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग यू का वन बाई यू, और यू का एक बार करेंगे तो डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा बराबर। ये देखो एक्स इंटू लॉग लॉग एक्स यू इंटू भी पर, इसको यू एक्स को यू लॉग लॉग एक्स को भी मान लेते हैं, यू इंटू भी पर, तो यू को कर देंगे बाहर, डी लगाएंगे इसमें, ये हो जाएगा लॉग लॉग एक्स, ठीक है। यहाँ से बेस क्या बनेगा, लॉग एक्स ना, इसको उठा कर लाएंगे नीचे, और एक बार फिर डी लॉग एक्स बाई डी एक्स प्लस, एक बार भी को बाहर तो लॉग लॉग एक्स और डी एक्स बाई डी एक्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखो, ये डी यू बाई डी एक्स, और जो यू है भाग दे रहा है, इधर आएगा तो गुना कर देगा, तो यहाँ से मैं इसको बड़ा ब्रैकेट रखता हूँ, और एक्स इंटू लॉग लॉग एक्स, तो देखो यहाँ पर लॉग एक्स का क्या होगा, वन बाई एक्स, तो लॉग लॉग एक्स है तो क्या हो जाएगा, वन बाई लॉग एक्स हो जाएगा, ठीक है, इंटू लॉग एक्स का वन बाई एक्स हो जाएगा प्लस ये लॉग लॉग एक्स, और डी एक्स बाई डी एक्स का वन, इतना हो गया। अब यहाँ से डी यू बाई डी एक्स बराबर, अब यहाँ क्या करते हैं, यू का यू, अब ये देखो एक्स वन और वन को करेंगे तो एक्स होगा, और नीचे एक्स लॉग एक्स होगा प्लस ये होगा लॉग लॉग एक्स, ठीक है, इतना समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं एक काम कर सकता हूँ, इस एक्स को इसको कटा सकता हूँ ऊपर नीचे, कोई दिक्कत नहीं है कटाने में। तो हमारा यहाँ से डी यू बाई
डी एक्स बराबर हो जाएगा, u का मान जो है ना रख देंगे, u का मान क्या है भाई, log x के पावर x, क्या है log x के पावर x है, और यहाँ से वन बाई एक्स है, अब प्लस log log x है, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि मैं यहाँ पर कुछ नहीं तो एक लिख सकता हूँ, इसको बटा पर के जोड़ घटाओ कर सकता हूँ, ठीक है, तो डी यू बाई डी एक्स बराबर लॉग एक्स के पावर एक्स, लॉग एक्स और वन का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा लॉग एक्स, क्या होगा लॉग एक्स, इसको भाग देंगे एक बार में एक ले और लॉग एक्स ले करेंगे तो ये होगा लॉग एक्स, प्लस इसको भाग देंगे लॉग एक्स बार में, सॉरी सॉरी मिस्टेक हो गया, लॉग एक्स को लॉग एक्स में भाग देंगे एक आएगा, एक और एक से करेंगे तो यहाँ पर एक आएगा, ठीक है ना, यहाँ पर एक आएगा एक प्लस, इसको भाग देंगे लॉग एक्स, लॉग एक्स ले इससे गुना करेंगे ये हो जाएगा लॉग एक्स इंटू लॉग लॉग एक्स, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से डी यू वाई डी एक्स बराबर क्या होगा भाई, यहाँ से यदि मैं ऐसा कर लेता हूँ, ये जो log x है कितना है एक है, इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या होगा घटेगा, और यहाँ भी log x है, बात समझ में आया नहीं आया आपको, ये देखो log x के पावर x है और यहाँ log x के पावर एक है, मतलब कुछ नहीं तो एक लिख सकते हो, तो दोनों log log बराबर है, पावर बेस बराबर है तो पावर को क्या कर देंगे घटा देंगे, ये जाएगा log x को बेस को लिखेंगे, अब पावर इसका x है और इसका पावर क्या है एक है तो घटा देंगे, इतना हो गया, यहाँ से वन प्लस लॉग एक्स इंटू लॉग लॉग एक्स हो गया, ये हमारा आ गया डी यू बाई डी एक्स। अब इसी तरह भी का निकालेंगे, आइए भी बराबर हमारा दिया था एक्स के पावर लॉग एक्स, ठीक है, अब क्या करेंगे दोनों तरफ लॉग लेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ लॉग लेने पर, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा लॉग भी बराबर ये लॉग एक्स इंटू लॉग भी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ध्यान देना बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अच्छा लॉग भी नहीं होगा, ठीक है ना, ये लॉग एक्स और एक्स है ना, यहाँ पर लॉग एक्स ही होगा, ठीक है। अब इसको x के सापेक्ष अवकलन कर देता हूँ, लिखेंगे x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, इसमें भी लगाएंगे तो वन बाई भी हो जाएगा और डी यू बाई डी एक्स, मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया, इसको u इंटू भी पर करेंगे तो log x को बाहर v में लगाएंगे d बाई डी एक्स, एक बार फिर log x को बाहर और v बाई डी एक्स हो गया, तो यहाँ से d ये v है डी वी बाई डी एक्स बराबर ये v भाग कर दे रहेगा तो गुना कर देगा, और ये यहाँ से log x इंटू लॉग एक्स का फार्मूला वन बाई एक्स हो जाएगा, और यहाँ से लॉग एक्स और इस लॉग एक्स का वन बाई एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखो डी वी बाई डी एक्स बराबर ए भी ऊपर लॉग एक्स बटा एक्स प्लस ये लॉग एक्स बटा एक्स, इतना हो गया। यहाँ से डी वी वाई डी एक्स बराबर ए भी एक्स एक्स का एलसीएम एक्स हो गया, इनको भाग देंगे एक बार में तो ये लॉग एक्स, इसको भी भाग देंगे तो एक बार में ये भी लॉग एक्स आएगा, तो डी वी वाई डी एक्स बराबर ए भी लॉग एक्स टू लॉग एक्स बटा एक्स, अब भी का मान दे देंगे डी वी वाई डी एक्स बराबर, अब भी का मान क्या है भाई, भी का मान है एक्स के पावर लॉग एक्स इंटू टू लॉग एक्स बटा
एक्स। अब ये बेस और ये बेस बराबर है, ऊपर नीचे है तो घटा देंगे। डी वी बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा एक्स के पावर लॉग एक्स माइनस वन, और ये टू लॉग एक्स। ठीक है, ये देखो डी वी बाई डी एक्स आ गया। अब हम चलेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट क्या था कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स था, यही था ना, ये था। अब डी यू बाई डी एक्स का माने जो है ना यहाँ पर रखेंगे, लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर लॉग एक्स के पावर एक्स माइनस वन। ठीक है, और यहाँ से वन प्लस लॉग एक्स इंटू लॉग लॉग एक्स लॉग लॉग एक्स। ठीक है, आप प्लस डी बाई डी एक्स का मान है एक्स के पावर लॉग एक्स माइनस वन इंटू टू लॉग एक्स, ये हमारा आंसर। ठीक है, आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि आसान है और जब भी आएगा आपके एग्ज़ाम में लॉन्ग में ही आएगा। ऐसे प्रश्न को आप बनाना सीखो, रिवीजन करना सीखो, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।